तो प्रदेश में कोरोना के लॉकडाउन में अनलॉक वन जारी है। दूसरी ओर मैरिज गार्डन एसोसिएशन ऑफ राजस्थान ने सरकार से विभिन्न शुल्क और टैक्स माफ करने की मांग की। एसोसिएशन महामंत्री भवानी शंकर माली ने कहा कि जयपुर में ढाई महीने से व्यवसाय ठप्प है, फिर भी सरकार लाइसेंस, सफाई और फायर एनओसी शुल्क के साथ यूडीएच टैक्स वसूल कर रही है। तो दूसरी ओर जमीन मालिक मैरिज गार्डन संचालकों से किराया वसूलने का दबाव बना रहे हैं। ऐसे में मैरिज गार्डन संचालक कोई शुल्क, टैक्स या किराया देने की स्थिति में नहीं है और यह भी कहा कि मांगे नहीं माने जाने पर मजबूरन आंदोलन किया जाएगा। हमारे मैरिज गार्डनों की जो इस कोविड-19 से जो हालात खराब हुए हैं, क्योंकि हमारे 6 महीने पहले बुकिंग होती थी, जैसे मार्च की बुकिंग की बात करें, 6 महीने पहले बुकिंग हुई, मार्च, अप्रैल, मई और जून जुलाई, पूरे 4 महीने की जो बुकिंगें थी मैरिज गार्डन्स में सारी कैंसिल हुई कोविड-19 के कारण। ऐसी स्थिति में हम राज्य सरकार से मांग करते हैं कि हमारे राजस्थान प्रदेश के सभी मैरिज गार्डन संचालक ईमानदारी से आपका टैक्स चुका रहे हर साल, और हम तो ऐसे हैं कि आगे बढ़ के एकल खिड़की के तहत कैंप लगाकर एक दिन के अंदर जयपुर में तो हम एक दिन में सारा पैसा चुकाते हैं। आज हमारी विपरीत परिस्थितियों में हम आशा करते हैं सरकार से और माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी से कि बहुत संवेदनशील व्यक्ति कहलाते हैं, आप हमारे इस व्यापार की तरफ ध्यान दें।